वेलकम टू माय चैनल बालकनी गार्डन। आज मैं आपको अपने बालकनी गार्डन में एरिका पाम के बारे में बताने जा रही हूँ। ये एरिका का पाम देखने में बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और ये इंडोर प्लांट है। इसको सेमी सेट, अगर बाहर घर के रखना है तो इसे सेमी सेट में रखना चाहिए। ये कई वर्षों तक हरियाली प्रदान करता है और इसकी बहुत सी प्रजातियां होती हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 6 से 8 फीट तक होती है, इस तरह से और लंबे होते जाते हैं ये। इसमें मैंने इन गमलों में, मिट्टी के गमलों में लगा रखा है। इसमें मैंने मिट्टी और गोबर की खाद ही डाली है। ये 18 से 23 डिग्री तापमान में अच्छा रहता है। पौधे को रिपोर्ट करने के लिए नई मिट्टी, जब भी रिपोर्ट करें तो नई मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। पौधे को पानी देने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अगर ये मिट्टी जैसे गीली है तो इसमें हमें पानी नहीं देना है। जब ये 2 इंच तक की मिट्टी सूख जाएगी तभी हमें इसमें पानी देना है। और इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए गमले का, ताकि पानी बराबर से निकल सके। अगर पानी नहीं निकलेगा तो ये एरिका पाम जड़ से सड़ने का डर रहता है। ये इंडोर प्लांट है, अगर घर के बाहर इसको रखना है तो सेमी सेट में ही रखना है। इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही डायरेक्ट सनलाइट में इसको रखना है। डायरेक्ट सनलाइट और ओवर वाटरिंग से इसकी पत्तियां ब्राउन हो जाती हैं। इसमें रिपोर्ट करने के लिए 80% गार्डन सोयल और 20% कंपोस्ट डालना चाहिए। मैं तो इसमें साल में 2 बार गोबर की खाद डालती हूँ। आज के लिए इतना ही।